आवर नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू अरेंज स्टडी टेबल। अब हम देखेंगे कि स्टडी टेबल को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर वन, क्लीन द डस्ट ऑफ द स्टडी टेबल विद द हेल्प ऑफ क्लोथ। कपड़े की हेल्प से सबसे पहले हम स्टडी टेबल को साफ करेंगे। स्टेप नंबर टू, कीप ओनली द नीडी थिंग्स ऑन द स्टडी टेबल लाइक बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी आइटम्स एक्सेट्रा। ठीक, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को ही हम टेबल पर रखेंगे, फालतू की चीज़ों को नहीं रखेंगे, जैसे खाने पीने की चीज़ें या टॉयज़ वगैरह, ये सब चीज़ें हम स्टडी टेबल पे नहीं रखेंगे, उन्हें वहाँ से साफ़ कर देंगे। ठीक है, हटाएंगे वहाँ से। फिर स्टेप नंबर थ्री, पुट योर पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स एंड अदर स्टेशनरी मटेरियल इन अ पेंसिल केस पेन होल्डर। जो भी आपकी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है, स्टडी करते टाइम, उन सबको किस में रखेंगे, पेंसिल केस में या पेन होल्डर पे रखेंगे। ठीक है, इधर उधर फैलाएंगे तो फिर वो खो जाती हैं। ठीक है, तो उनको आप पेन केस, पेंसिल केस और पेन होल्डर में रखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर फोर है, पुट योर बुक्स एंड नोटबुक्स सेपरेटली ऑन द टेबल। फिर आप अपने टेबल पे बुक्स को और नोटबुक्स को अलग अलग रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब आपको उन बुक्स की ज़रूरत हो तो वो इजीली आपको मिल जाएं। ठीक है, फिर है हाउ टू अरेंज अलमीरा। ठीक, अलमीरा को कैसे अरेंज करेंगे, स्टेप नंबर वन है। ठीक है, अलमीरा को अरेंज करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप छोटे हैं तो पूरी अलमीरा आप अरेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, कीप योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक टाइज, वॉलेट, बेल्ट एक्सेट्रा इन अ ड्रॉर। ठीक, जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाई, वॉलेट, बेल्ट, जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उनको आप किस में रखेंगे, ड्रॉर में रखेंगे। आप सबके अलमारी में एक छोटा सा ड्रॉर होता है, उसमें आप रख सकते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, स्टेप नंबर टू, कीप योर फुटवेयर इन द बॉटम ड्रॉर ऑफ द अलमीरा। ठीक, जो आपके फुटवेयर हैं उनको आप कहाँ रखेंगे, अलमीरा के बॉटम ड्रॉर में, जो सबसे नीचे जो ड्रॉर होती है उसमें आप अपने फुटवेयर रखेंगे। ठीक है, एंड पुट द शूज़ दैट यू यूज लेस टाइम इन द बॉक्स एंड पुट दैम ऑन द बैक साइड एंड कीप द शूज़ विच आर यूज्ड डेली इन द फ्रंट। ठीक, जो शूज़ आप कम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको आप किस में रखेंगे, एक बॉक्स में रख के उनको ड्रॉर के बैक साइड रखेंगे, और जिन शूज़ को आप डेली में यूज़ करते हैं उनको आप फ्रंट साइड रखेंगे। ठीक है, फिर स्टेप नंबर थ्री है, हेल्प योर पेरेंट्स टू सेट द अलमीरा बाय फोल्डिंग द स्मॉल क्लोथ्स लाइक शर्ट, टी शर्ट, टॉप एक्सेट्रा। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं अलमीरा को सेट करने के लिए, जैसे आप कुछ स्मॉल जो क्लोथ्स हैं उनको फोल्ड करके। ठीक है, जैसे शर्ट आप फोल्ड कर सकते हो, टी शर्ट आप फोल्ड कर सकते हो, अपने टॉप्स या अपने जो क्लोथ्स हैं आपके, आप उनको अच्छे से फोल्ड करके अपने पैंट्स को देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपने पैंट्स की अलमीरा सेट करने में हेल्प करेंगे। ओके।